अभी देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। मोदी सरकार की जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर आयोग बनाने की तैयारी का महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने कड़ा विरोध किया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा और इसी साल चुनाव होंगे। बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच उत्तर 24 परगना में एक टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या, पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। 3300 करोड़ की ठगी के आरोपी की नोएडा में पार्टी की न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद एसएसपी ने 6 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। मध्य प्रदेश में जारी बिजली कटौती से परेशान लोग सड़क पर उतरे, इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीवी तोड़कर कमलनाथ सरकार का विरोध किया। वर्ल्ड कप में आज से शुरू होगा विराट कोहली की सेना का इम्तिहान, पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मारना होगा मैदान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर किए ट्वीट से खपा अमित शाह ने गिरिराज सिंह को फटकार लगाते हुए आगे ऐसा न करने की चेतावनी दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अलर्ट को पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जमीनी हकीकत से दूर बताया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 7 जून को अयोध्या शोध संस्थान में राम की 7 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। ड्रग्स तस्करी पर बड़ा शिकंजा कसते हुए पुर्तगाल में 250 करोड़ रुपए की जबकि पेरू में 5000 किलो से ज्यादा की कोकेन पकड़ी गई।